हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की महत्वपूर्ण ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार की नींद उड़ा दी। वायरस को रोकने के लिए अब राज्य की सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब बिहार से लगने वाली सभी सीमाओं पर कोरोना जांच की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए संबंधित सिविल सर्जन को आदेश दिया गया। साथ ही ट्रेन और फ्लाइट के साथ अन्य वाहनों से आने वालों की जांच को लेकर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं अन्य आगंतुकों के इस्तेमाल के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, बिहार के 7 आईएएस को प्रमोशन दिया गया है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 7 आईएएस अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। इन सभी को प्रमोशन मिला है। इसमें 5 को प्रधान सचिव स्तर में पुनर्नति मिली है, तो 2 को विशेष सचिव स्तर में प्रमोशन किया गया है। बिहार सरकार ने नए साल से पहले 7 आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया। अगली खबर, संक्रमण की दूसरी लहर के बाद पहली बार विदेशी मेहमानों के शिष्टमंडल से महाबोधि मंदिर परिसर गुलजार हुआ। मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष जगदंत सिंह के नेतृत्व में आए 23 सदस्यीय शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध को नमन किया और मत्था टेका। साथ ही विश्व में शांति सुख शांति की कामना की। इसके बाद दी होली ट्री के नीचे आसन लगाकर ध्यान साधना की गई। संक्रमण की वजह से बोधगया में देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं व भिक्षुओं का आना पूरी तरह से बैन था। खबर, बिहार में दरोगा बहाली पर स्टे के बाद अभ्यर्थियों का हंगामा। 2000 आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पुलिस मुख्यालय घेरा। दरोगा बहाली पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पुलिस मुख्यालय को घेर लिया और जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना के बाद कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं माने। इसके बाद उन्हें काफ़ी देर तक समझाने के बाद गर्दनी बाग भेजा गया। कोरोना के नए वेरियंट को लेकर जहाँ देश में हड़कंप है, वहीं बिहार में आंदोलन चलाया जा रहा। यह आंदोलन बड़ा खतरा ला सकता है। अगली खबर, पप्पू यादव बोले कि बिहार में हुए अकफोड़वा कांड के दोषियों की गिरफ्तारी हो। जाप सुप्रीमो ने कहा कि मुजफ्फरपुर में अकफोड़वा कांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस की हवा हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, अन्यथा राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसे संगीन मामलों में जितनी जल्दी हो सके सभी गुनाहगारों की जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। उक्त बातें सुप्रीमो सा पूर्व एमपी पप्पू यादव ने कही। एसकेएमसीएच में भर्ती मरीजों से मुलाकात करने को भी पहुंचे। अगली खबर, शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर गोलबंद है। नियोजित शिक्षक संघ ने भी मांग की थी कि नियोजन इकाइयों ने 4-5 माह से सर्टिफिकेट भी रखा हुआ। इसी को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया। हालांकि सर्टिफिकेट लेने के लिए शपथ पत्र देना होगा और कहा गया कि 2019-20 अंतर्गत सभी निदेशक ने शिक्षक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट देखना शुरू कर दिया है। दिसंबर को बिहार आ रहे आईपीएस शिवदीप लांडे, 5 साल बाद 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अपने मूल कैडर में वापस बिहार आ रहे। आपको बता दें कि अगले दिन 8 दिसंबर को वो गृह विभाग में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। इसके साथ ही वो अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे। वहीं बिहार में आने से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर महाराष्ट्र की पोस्टिंग के दौरान किए गए अपने काम को बताया और उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के बाद जब ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू होगा तब उन्हें भी नई पोस्टिंग मिलेगी। अगली खबर, बिहार में 21 एक्टिव केस, सबसे अधिक केस पटना में पाए गए। कोरोना के आंकड़े कम है लेकिन खतरा टला नहीं। देश में जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आ रहे, सरकार की तैयारी तेज हो रही है। बिहार में बीते 24 घंटे में एक भी नया मामला नहीं आया है, लेकिन 21 एक्टिव केस से कभी भी केस बढ़ सकता है। बाहर से आने वालों का सिलसिला भी जारी है, जिससे खतरे को लेकर दिन प्रतिदिन अलर्ट जारी किया जा रहा। सरकारी अस्पतालों में चल रही तैयारी से यह बात साफ है कि गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय मुश्किलों से भरा होगा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के थर्ड वेव से निपटने की पूरी तैयारी बिहार ने कर ली है। पिछली बार भी सरकार ने कोरोना काल में मरीजों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे।
वैक्सीनेशन का कार्य अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है और इसे शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सभी जुटे हुए हैं। बिहार में 17 मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि पूर्व से 9 मेडिकल कॉलेज चल रहा है। अगली खबर, बिहार के पंचायती राज और नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के 15% बढ़े वेतन को निर्धारित करने के लिए गजट जारी कर दिया गया है। वेतन निर्धारण की अधिसूचना 12 नवंबर को ही जारी की जा चुकी है। इसी अधिसूचना का प्रकाशन गजट में किया गया है। ऑनलाइन कैलकुलेटर के जरिए वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यह भी तैयार हो रहा 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से किया जाएगा। स्थिति से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगली खबर, बिहार में 3.5 लाख एकड़ जमीन लापता हो गई। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे ने भूटान अभियान की नींव रखी थी। इस अभियान के जरिए 1954 में बिहार सरकार को 6,48,553 एकड़ जमीन दान में मिली, लेकिन 67 साल बाद भी सरकार 3.5 लाख एकड़ जमीन नहीं ढूंढ पाई। यही नहीं, भूमिहीन गरीबों के लिए दी गई 89,830 एकड़ जमीन का आज तक बांटा ही नहीं जा सका, या अब भी सरकार के पास ही है। इस मामले को लेकर जब भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अगली खबर, बिहार बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार को दिखाया आईना, कहा बिहार को शराबबंदी के कारण हो रहा 40,000 करोड़ का नुकसान। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रहकर सुर्खियों में रहे भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। बेगूसराय में एक खास मुलाकात में जमशेद अशरफ ने कहा कि मैं शराब को बहुत गलत मानता हूं और चाहता हूं कि लोग शराब ना पिएं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का एक बेहतर कदम उठाया, लेकिन आज जो बिहार की हालत हो रही है उसके लिए नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि शराबबंदी से बिहार में जो साइड इफेक्ट हुए उसकी नीतीश कुमार समीक्षा करें। जमशेद अशरफ ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो रही है, क्योंकि सारे पुलिस वाले आज शराबी और शराब को ढूंढने में व्यस्त हैं। अगली खबर, नवादा में दुष्कर्म का केस उठाने को लेकर मारपीट की गई है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने नगर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म से संबंधित दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। दुष्कर्म के आरोपित देवर, ससुर, सास और ननद ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। सभी लोगों ने मुकदमे को लेकर बात करने के लिए अपने घर बुलाया और मारपीट की है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद पति जीविकोपार्जन के लिए सऊदी अरब चले गए थे। 10 जनवरी 2019 को कमरे में अकेले सो रही थी, तभी देवर कमरे में घुस गया और पिस्तौल का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। अगली खबर, खगड़िया में 2500 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब। विभाग की सख्ती के बाद वेबसाइट पर शपथ पत्र हो रहा अपलोड। बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों की मौज है। मसलन, यहाँ से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अमान्य प्रमाण पत्रों पर नियुक्त फर्जी शिक्षकों की चांदी कट रही है। खगड़िया जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ 2500 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों के फोल्डर विभिन्न नियोजन इकाई से गायब हो चुके हैं। इधर माध्यमिक शिक्षण निदेशालय की सख्ती के बाद कई नियोजित शिक्षकों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर आनन फानन में शपथ पत्र अपलोड कर कार्रवाई से बचने की जुगत की जा रही। तो दोस्तों, बिहार सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।